धमतरी जिले में शहर के नाक सड़क निर्माण और धूल से निजात दिलाने की मांग को लेकर दनीटोला वार्ड के वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वार्ड वासियों ने बताया कि नहर नाका के सड़क का अत्यंत ही बुरा हाल है। वर्तमान में सड़क पर गिट्टी डाल दिया गया है, जिसके चलते धूल के गुब्बारे और आए दिन सड़क हादसा हो रहे हैं। लगातार धूल उड़ने से सड़क किनारे रहने वालों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी होने लगी है। इसके तहत ही वार्डवासियों ने जल्द ही सड़क निर्माण की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं की जाती है तो वार्डवासियों द्वारा सड़क में बैठकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, जब बरसात होती है ना तो उस रोड में पानी का निकासी नहीं हो पा रहा। कई जगह क्या है, जब हमने काम किया था उसके बाद पाइपलाइन डालने से जो सड़क की शोल्डर पूरे कीचड़ युक्त हो गई थी, तो जब भी पानी गिरता है वहां की जो नाली बनी है और कुछ स्थान पर नाली नहीं बना, पानी रुक जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी सड़क जर्जर है। और पानी का निकासी होने के बाद जैसे ही धूप खिलता है तो सड़क अच्छी स्थिति में पाई जाती है। सिर्फ तीन पॉइंट ऐसे हैं जिसपे, एक नहर नाका है, एक शांति कॉलोनी के पास है करीब 50 मीटर का पैच नहर नाका में है, और एक नहर है जो कि WRD की है, जो कि जिसे अभी रेलिंग वगैरह को उन्होंने मरम्मत भी कराया है। इन्हीं तीन पॉइंट कारणों के कारण ये सड़क ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खराब है, जर्जर है। जबकि जब धूप निकल जाता है और मिट्टी हट जाती तो सड़क का डामर जब दिखता है तो वास्तव में रोड अच्छी स्थिति में। सिर्फ तीन ही पॉइंट है जिसपे मरम्मत की अत्यंत आवश्यकता है और उसको मरम्मत किया जा रहा है। क्योंकि बरसात का सीजन है तो अभी सिर्फ डेवलपमेंट से मरम्मत कर रहे हैं। उस सड़क पे वाहनों का दबाव ज्यादा है जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा मरम्मत नहीं किया जा रहा है और जर्जर स्थिति में, जबकि मरम्मत किया जा रहा है। हाँ, राइडिंग क्वालिटी वहाँ पे खराब है जिसके कारण थोड़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो अगले माह जैसे ही बरसात ऋतु समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा ही बुरी स्थिति है, बहुत धूल मिट्टी उड़ता है, बहुत ही ज्यादा, ना कोई नाली है वहाँ, ना कोई धूल मिट्टी, इतनी पानी भी डालते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारे को PWD वाले जाके मना करते, पानी क्यों डालते हो, एक भी नाली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है कहीं जाने के लिए, इतनी धूल मिट्टी, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है हमारे मोहल्ले में, जाके देखो वहाँ इतना इतना बच्चे लोग की तबीयत खराब है कि हम बता नहीं सकते। ये बहुत दिन हो गया सर, बहुत ही दिन हो गए हैं, मतलब एक महीना ही मान के चलो, एक महीना हो गया, पूरा एक महीने से इतनी हालत खराब है वहाँ की। हम लोग ये समस्या लेके आए हैं कि वहाँ हर साल रोड का एक ये है इशू, रोड निर्माण के लिए यहाँ वहाँ पे डामर की जगह बालू डाला जाता है सड़क पे, जिससे और धूल उड़ता है। गिट्टी और बालू डाल देते हैं और कुछ काम नहीं करते। बरसात 4 महीना हो गया, आज रेती गिट्टी ही डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा धूल उड़ता है। और अभी की स्थिति क्या बताया सर, वहाँ रोड में चलना मुश्किल हो गया, खड़े होना 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। वहाँ खड़े हो जाएंगे ना तो आप ये समझ लो सुबह नहा धो के निकले काम करके आए हो, वैसे सीमेंट ढोने वाला ना उससे अच्छा दिखता है, लेकिन हम लोग रोड में खड़े रहते हैं ना उससे बेकार लगता है।